शरीयत ने बेनिकाह रहने को सख्त नापसंद फरमाया है। यानी शरीयत के तर्ज से पता चल रहा है कि किसी मर्द और औरत का निकाह के बगैर होना ये बहुत ही नापसंदीदा अमल है, बहुत ही बुरा अमल है। जा बजाय शरीयत ने निकाह की तरगीब दी है, निकाह की तालीम दी है। और शरीयत का जोर यह है कि कोई भी मर्द, चाहे वो गुलाम क्यों नहीं है, चाहे वो बांदी क्यों नहीं है, पहले जमाने में गुलाम बांदी होते थे, यानी इंसान का बिल्कुल निचला एक तबका होता था जो बतौर मुलाजिम मजदूर एक किसी के यहां रहता था, उसकी खरीदो फरोख्त तक होती थी। यानी उस तक के बारे में कहा कि निकाह करो, या तो पढ़े लिखे और समझदार तरीन लोग भी बगैर निकाह के रह रहे होते हैं। वजह इसकी यह है कि मगरिब की छाप हमारे ऊपर बड़ी मजबूत है, कि मगरिब ने हमारे ऊपर छाप लगाई है, चुनाचे उसने हमारे तालीमी निजाम को छीन लिया जिसमें किताब निकाह सबसे अव्वल होती है। इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दोनों का इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि निकाह जो है वो इबादात में शामिल है। इमाम शाफी कहते हैं नहीं, निकाह मामलात में शामिल है। इमाम अबू हनीफा इस बारे में फरमाते हैं, एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान को हर वक्त सवाब मिलता रहता है। दो अमल ऐसे हैं जिससे इंसान को हर वक्त सवाब मिलता रहता है। एक अमल है दाढ़ी रखना, इसका सवाब हर वक्त मिलता रहता है, चाहे सोया है, चाहे जागा हुआ है, चाहे कुछ कर रहा है। और एक है निकाह, कि इंसान सोया भी हुआ है तो निकाह की वजह से उसको उस सुन्नत के पूरी होने का सवाब मिल रहा है, जागा भी हुआ है तो भी उसके सुन्नत, एक सुन्नत या उसके जिम्मे वाजिब था उसको पूरी करने का सवाब उसको मिल रहा होता है। लिहाजा ये इबादत है। चुनाचे इमाम अबू हनीफा की जितनी किताबें आम तौर पे हज के साथ ही किताब निकाह का जिक्र करते हैं कि निकाह इबादत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह का ईमान, निकाह करने से निस्फ ईमान कामिल हो जाता है। लेकिन चूंकि मगरिब की हमारे ऊपर मेहनत इतनी ज्यादा हुई है, इतनी ज्यादा कोशिश हुई है कि उन्होंने बस ये सबसे पहले कर दिया कि इंसान कमाने वाला हो जाए, जब कमाने वाला होगा तो फिर उसके रिश्ते बहुत आएंगे। एक आदमी 20-22 साल की उम्र में लाखों रुपए कमाता है, लड़कियां उसके पीछे हाथ धो के पड़ी होंगी। और एक आदमी नहीं कमाता, भले से इसका करैक्टर उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है, इससे कोई निकाह को तैयार नहीं होता। कि हम लोग मादा परस्त हो चुके हैं, बिल्कुल मादियत हमारे अंदर समोई जा चुकी है। और हमारी तरबियत भी इसी नहज से हुई है कि अगर कोई इस तरह नहीं देखता तो वो एक नाकाम इंसान तसव्वुर होता है, और वाकईतन नाकाम ही होता है। तो हमारा माशरा और हमारा मामला ऐसा चल रहा है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सुनाजे हमारे एक मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने अपना वाकया बताया। कहा जी हमारे खानदान में किसी का निकाह हुआ, शादी हुई, तो मैंने अपनी महरम पुप्पी थी या खाला थी, मैंने पूछा कि लड़का कैसा है। उसने कहा जी लड़के की कागज की फैक्ट्री है। तो मैंने ये नहीं पूछा कि लड़का क्या करता है, मैंने पूछा कि लड़का कैसा है। तो उसके पास बड़ी जबरदस्त किस्म की गाड़ियां हैं, उसकी अपनी हवेली है, वहां उसकी जमीनें हैं। कहा पुप्पी मैंने ये पूछा है कि लड़का कैसा है, ये नहीं पूछा कि उसके पास क्या कुछ है। कह जी बस जब इतना कुछ है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि इतना तो कुछ तो अच्छा बंदा ही कमा सकता है। इसमें इतना कुछ तो डाकू भी कमाते हैं, वडेरे भी कमाते हैं, लुटेरे भी कमाते हैं, तो इसमें क्या है। सुनाचे एक साल के बाद तलाक हो गई। तो हम लोग ये स्टेटस समझते हैं कि अलबत्ता निकाह के हवाले से और भी शराइत है। मैं नहीं कह रहा कि निकाह अपने स्टेटस के हिसाब से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बहुत ही अमीर लड़की है वो किसी गरीब फद्दू फकीर से शादी कर ले, वो रह नहीं सकती। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर बात जिक्र करूं कि हमारे यहां निकाह की अहमियत के ऊपर बात नहीं की जाती, और शरीयत ने निकाह की अहमियत पर इतना जोर दिया है, इतना जोर दिया कि अगर तुम्हें एक निकाह में तस्कीन नहीं है तो दूसरा भी करो, अगर दूसरे भी तस्कीन काफी नहीं है तो तीसरा भी करो। देखते हैं कि जिना कितना आम होता जा रहा है हमारे माशरे में,
हमारे मुल्क के अंदर वेबसाइट्स बनी हुई हैं बाकायदा जिना के हवाले से, कराची पोर्टल बने हुए हैं, लाहौर पोर्टल बने, बड़े बड़े शहरों में पोर्टल्स बने हुए हैं। आप इंटरनेट पे ये चाह इंटरनेट पे आप जिना के सारे असबाब मौजूद हैं हर इंसान के हाथ में। यानी वो तो इतना आम हो गया और निकाह इतना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है हमारे माशरे में, 85 चीजें। तो इसकी बुनियादी वजह है कि शरीयत ने इंसान की शहवत को बेलगाम नहीं होने दिया। जब शहवत बेलगाम होती है तो बड़े बड़े मसाइल खड़े होते हैं। हमारी करप्शन, हमारे मुल्क में जो करप्शन है, इस करप्शन के पीछे 90 से 95% शहवत है। जी हां, जहां भी पैसा कम चलता है शहवत ज्यादा चलती है। किसी बड़े ऑफिसर, किसी बड़े डायरेक्टर या किसी बड़े से बड़े आदमी, पैसों का ज्यादा मसला नहीं होता, उसकी अपनी गंदी वीडियोस का मसला होता है, क्योंकि उसकी शहवत घर में पूरी होती नहीं है, चुनाचे वो इधर उधर मुंह मारता है। शरीयत ने शहवत को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा जोर दिया, बहुत ही ज्यादा जोर दिया। चुनाचे यहां वन की हल अयामा मिनकुम, तो मैं भी जो भी गैर शादीशुदा उनको शादीशुदा होना चाहिए। जो खवातीन जी मर्द हजरात के इख्तियार, मर्द नहीं औरतें भी इसके अंदर पूरी पूरी, जितने मर्द शरीक हैं इतनी और ऐसे ही औरतें भी शरीक हैं इसके अंदर। और ऐसा नहीं है कि औरतों का ये काम नहीं है, औरतें इसमें सरबराही नहीं कर रही, औरतें भी इसमें बड़ा हाथ रखती हैं। कि औरत बेवा हो गई है उसके निकाह के हवाले से बड़े मसाइल होते हैं, औरत को तलाक हो गई है उसके निकाह के हवाले से बड़े मसाइल होते हैं। मैं कई यानी बूढ़े बूढ़े हजरात आके ऐसे फूट फूट के रोए हैं कि हम क्या करें, कि ये मसाइल खड़े हो जाते हैं। जब शहवतें बेकाबू होती हैं तो इंसान किसी भी उम्र में महफूज नहीं रहता। बहुत से ऐसे मसाइल, नफसियाती मरीज होना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर बाकायदा मुहिम चला देने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से निकाह करने का फरमाया, बहुत सी तरगीबें भी दी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या करें, हमारा माशरा जो है वो अपनी शहवतों के पीछे, अपने मामलात के पीछे और पैसे कमाने के पीछे लगा है। ये चीज बड़ी अहम है। वह अनकिहुल अय्यामा मिनकुम, तुम में से जो भी गैर शादीशुदा उनकी शादी करो। अच्छा, सिर्फ इनकी नहीं, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम्हारे गुलाम और बांदियों में भी जो ऐसे हैं जो कि नेक लोग हैं, तो फिर उनका भी निकाह करो। अगर तुम्हें डर लगता है यकून फुकरा, अगर तुम्हें डर लगता है कि ये फकीर हो जाएंगे कि शादी के बाद खर्चे ज्यादा होते हैं, युगनी ही मुल्ला हूं मैं किफायत करूंगा। चुनाचे रिवायतों में आता है कि जो महज अपने आप को इफ्फत और महफूज रखने के लिए, गुनाह से महफूज रखने के लिए निकाह करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद फरमाते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत वसत वाले हैं। लेकिन अब मसला यह है कि अरब माशरे में मर्दों की तादाद ज्यादा थी, खवातीन की तादाद कम थी। अरब माशरे में यह था, यहां तो ऐसा है कि खवातीन की तादाद ज्यादा है। हमारे मुल्क के अंदर खवातीन 52-55% है, मर्द जो है वो 48 या 45% है। तो वहां पर तो खवातीन की तादाद मर्दों की निस्बत बहुत कम थी। चुनाचे वल यस्तअफिफिल लजीन ला यजिदूना निकाह, फिर वहां के माहौल में भी अल्लाह ने कहा दो तीन दिन करो। तो और यहां का माहौल तो वैसे मुख्तलिफ है, तो लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा शख्स है जो मेहर के पैसे तक नहीं दे सकता और जिसके साथ कोई ऐसे मामलात हैं कि वो निकाह नहीं कर सकता, कोई खातून निकाह करने को तैयार नहीं है, नहीं मिलता, शक्ल और सूरत के एतबार से बदसूरत है या तालीम एतबार से जाहिल है वगैरह वगैरह, तो अल्लाह ने उसको समझाया। वल यस्तअफिफ, उन लोगों को चाहिए कि वह अपने आप को, अपनी इफ्फत को महफूज रखें। ला यजिदूना निकाहन, जिनको निकाह के लिए कोई मिलता नहीं है, तो उनको चाहिए कि अपने आप को बाइफत रखें, इफ्फत के साथ रखें। हत्ता युग्नियहुमुल्लाहु मिन फजली, यहां तक कि अल्लाह ताला अपने फजल से अता फरमा दें। वल्लज़ीन यब्तगूनल किताब, यहां से एक दूसरा मजमून शुरू हो रहा है। तो चुनाचे जब तक निकाह की सहूलत मुयस्सर नहीं होती तो उस वक्त तक अपने आप को बाइफत रखें, पाकदामन रखें। हजरत अबू हुरैरा है, या रसूलल्लाह मैं बहुत गरीब हूं और ये मसाइल हैं, आप इजाजत दीजिए कि मैं अपनी ताकत को खत्म कर लूं, मैं अपने आप को खसी कर लूं। तो आपने मैं खबरदार खबरदार
ऐसा कभी भी नहीं करना, सख्ती से मना फरमाया और ताकीद से मना फरमाया। हदीस में और भी किस्म के जजर आए हैं, वो मौजू और है, मैं उस तरफ निकल जाऊंगा। तो इस पे जजर आया कि नहीं, अपने आप को तुमने माजूर नहीं करना, अपने आप को नामर्द नहीं करना, लेकिन अपने आप को महफूज रखना है। महफूज रखने में अपने आप को जाया होने से बचाने का जिक्र है। तो यहां तक कि अल्लाह ताला उनको गनी कर दे, जब अल्लाह गनी कर देंगे तो हम निकाह मेहर भी दे सकते हैं और दीगर मामलात भी कर सकते हैं।